आज आज वही पहुंचे 3 बजे। 3 बजे वहां से यहाँ? फ्लाइट से कब लैंड किया? हाँ फ्लाइट से तो वहां हम लैंड कर गए थे 2:30 में ही, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे। और वहां से फिर ट्रेन से तो वही आज 3 बजे पहुंचे यहाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा। अभी जो बच्चे फंसे हैं उनका बहुत बुरा हाल है। 50-50 घंटे तक वहाँ टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर पर ही वहाँ रखा जा रहा है वहाँ पर बच्चे को। मेरा उतना नहीं था वहाँ, बस मतलब रोमानिया के बॉर्डर पे बस 6 घंटा मुझे लगा वहाँ वेट कराए वो लोग। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग को ले जाया गया रोमानिया के एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से फिर बस से हम लोग को, मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी, तो वहाँ से हम लोग को ले गया था रोमानिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे। वहाँ से बस से ले गया वहाँ से 12 घंटे। फिर वहाँ से उन्होंने टिकट विकेट सब करवाया था इंडिया के गवर्नमेंट ने। फिर वहाँ से हम लोग को फिर वही फ्लाइट थी दिल्ली की। मेरे यूनिवर्सिटी में तो मतलब कितने होंगे, मतलब 2000-3000 बच्चे अभी भी आने के बाद मतलब वही 1000 से ऊपर बच्चे बचे हैं। कोई जाएंगे नहीं अभी इंडिया, क्योंकि वहाँ का अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। युद्ध शुरू होने के बाद मतलब ये था कि मेरा उतना नहीं था, क्योंकि मेरा वेस्टर्न साइड पड़ता है। जो मेन बच्चे थे वो खीव और खारकीव में थे, उनका बहुत बुरा। मेरी जैसे कोई फ्रेंड थी वो खीव में फंस गई थी, तो वो लोग को फिर इंडियन एम्बेसी ले जाके, मतलब इंडियन ऑफिस एम्बेसी के ऑफिस में रखा जा रहा था। 300-400 बच्चे को एक साथ रखा जा रहा था, एक टाइम का खाना दे रहे थे वो लोग को। फिर एक रूम में पैक थी वो लोग, इतना रो रही थी हम लोग से, मतलब बोल रही थी कि हमें इंडियन एम्बेसी यहाँ से निकाले। बहुत दिनों से वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी नहीं निकल रहे हैं वो। मतलब 10 दिन, मतलब हो गया 6-7 दिन से वो लोग वहीं फंसे हुए हैं वैसे छोटे से रूम में। और वहाँ जो कीव और खारकी के बच्चे हैं वो लोग को तो बैंकर के अंदर रूम में भर के रखा जा रहा है ऐसा। हाँ बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे अटके हुए हैं। अभी घर पहुँच के बहुत बहुत रिलीफ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी जो अब अगर पहले बार में मैं नहीं निकलती तो शायद से मेरा भी वही लेट हाल हो होता, जाता। बहुत बहुत लेट हो जाता। क्योंकि अभी जो बच्चे फंसे हैं वो लोग को 50-50 घंटे बॉर्डर पे रख रहे, टेम्परेचर माइनस में है वो लोग को। तो वो लोग रो रहे हैं वहाँ की लड़कियों लोग को, वहाँ के मतलब जो है यूक्रेनियन पुलिस है वहाँ पीट रहे हैं वो लोग को, मतलब बॉर्डर से भगा रहे हैं ऐसा हाल है। नहीं यूक्रेन गवर्नमेंट नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे। स्टूडेंट के नहीं बस वो इंडिया वालों ने जो सपोर्ट किया बस वही था। अभी यूक्रेन वाले तो खुद ही भाग रहे हैं वहाँ से, तो वो लोग को क्या सपोर्ट करेंगे, वहाँ खुद भाग रहे हैं। वहाँ के वो लोग के जो हैं, वो लोग के जो मतलब वहाँ के निवासी हैं वो लोग भाग के फिर वो की वो बॉर्डर के पास जाके, सॉरी यहाँ रोमानिया बॉर्डर के पास जाके वो लोग कार में बैठे हैं ऐसे सोए हुए हैं, कहाँ रोड पे सोए हैं वो लोग सब। की वाले जो हैं खारकी वाले बच्चे हैं मतलब जो हैं वहाँ के, वो सब भाग के इधर आ गया। क्या पढ़ाई चल रहा था उधर? मेरा तो फर्स्ट ईयर हमें BS का था। अच्छा कितना साल हुआ था? मेरा 2 महीने पहले ही हम गए ही थे, 2 महीने नवंबर नहीं दिसंबर में गए थे। 3 महीना हुआ नहीं भाई, 3 महीने। अभी बहुत रिलीफ हो रहा है, लेकिन अफसोस है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो सारे बच्चे को लाने का जल्द से जल्द व्यवस्था करें, कारण दिन प्रतिदिन जो है वहाँ की स्थिति बदतर होते जा रही है। जो फंस जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया तो तहे दिल से हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि आप अपने तरफ से वो किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ा बच्चे को वहाँ से लाने में या आपका फ्लाइट से इंडिया भेजने में। अगर माहौल ठीक होगा, सिचुएशन देखने के बाद ही फिर निर्णय ले पाएंगे कि क्या करना है, अभी उसके उतना आगे सोचना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। बहुत खुशी है, लेकिन मेरा बच्चा फंसा हुआ था इसलिए हम बहुत रो रहे थे। 4-5 दिन खूब रोए, खाना तक भी नहीं खाए, नाश्ता भी नहीं किए। और जब मेरी लड़की आई तो हमारा मेरा घर में खुशी का माहौल बन गया। और लेकिन इसी तरह हम सब बच्चों को कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से कहते हैं कि जैसे मेरी बच्ची यहाँ मैंने घर पहुँच गई, अब जो यूक्रेन या क्यूब में फंसी हुई बच्ची है सभी को, छात्र छात्राओं को वहाँ से भेजने के अथी करें।